आज 11 मार्च 2024 को ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आजाद नगर थाना क्षेत्र के महालीन सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर DDC मनीष कुमार की संस्था की ओर से बुके और शॉल देकर सम्मानित किया गया। DDC मनीष कुमार ने आजाद नगर थाना क्षेत्र के समाज सेवी, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन अध्यक्ष, सचिव, प्रिंसिपल और डॉक्टर उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य रूप से ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर मोहम्मद जाकरिये, आसीन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर आसिफ महमूद, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार लखविंदर सिंह और गुरुचरण, मदीना मस्जिद के इमाम अब्दुल मलिक मिसबाही, दुर्गा पूजा समिति के अभिनव कुमार सिन्हा, दाईगुट्टू हरिजन बस्ती के हरिंदर कुमार, ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद के इमाम कारी असलम रब्बानी, दावत इस्लामी के इमाम आफ्ताब कादरी, मशहूर समाजसेवी मंजर अमीन, आयशा पेट्रोलियम के प्रबंधक शफी अहमद, विवेकानंद स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, प्रोफेसर जकी अख्तर, हाजी रजी नौसाद, कोपेली रोड के मोहम्मद हफीजुद्दीन, MGM अस्पताल के डॉक्टर जहाजेब खान, अल कबीर पॉलिटेक्निक के मकबूल आलम, अलीबाग कॉलोनी के समाज सेवी इरफान खान, करीम सिटी कॉलेज के NSS डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर आले अली, मास कम्युनिकेशन के साइड परवेज, मदर्स होम स्कूल के डायरेक्टर मुमताज शरीक, इन सब लोगों को लोकसभा इलेक्शन के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जागरूक किया और प्रोग्राम में शामिल सभी लोगों को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ दिलवाकर और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की सराहना की गई। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मुख्य रूप से सैयद आसिफ अख्तर, मतीन उल हक अंसारी, सचिन मुख्तार आलम खान, शाहिद परवेज, अजीज हसनैन, आफ्ताब आलम, मोइनुद्दीन अंसारी, अयूब अली, फिरोज आलम, मास्टर सिराजुल हक, मास्टर इकबाल, मासूम खान, मोहम्मद कैस, ताहिर हुसैन और खुर्शीद अहमद खान शमीम थे। जमशेदपुर से आतिफ खान की रिपोर्ट।